भिंड में विद्युत स्टेशन पर कर्मचारी की करंट लगने से मौत, परिजनों ने विभाग पर आरोप लगाते हुए किया चक्का जाम। दरअसल मामला भिंड जिले के बीटीआई विद्युत सब स्टेशन का है, जहां पर काम करने वाले आउटसोर्स कंपनी के कर्मचारी संदीप भदौरिया निवासी देहरा की 11 केवी लाइन से करंट लगने से गंभीर रूप से घायल होने पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा आनन फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये सुनकर साथ ले जाने वाले परिजन विद्युत कर्मचारी जो हैं वो मौके से गायब हो गए। परिजन जानकारी मिलते ही जिला अस्पताल पहुंचे और परिजनों ने कहा कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते संदीप की मौत हुई है। शव को स्ट्रेचर पर रखकर जिला अस्पताल परिसर के गेट पर जाम लगा दिया। फिलहाल मौके पर पहुंचे सीएसपी आनंद राय ने परिजनों को उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया। वहीं परिजन विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। मान लो कोई घटना घटित होती है तो उसके साथ आदमी मिलते ही मिलते कोई ना ए ना डी ना सुपरवाइजर कोई यहाँ पे मिला, एक आवारा लाश मिली हम लोगों हॉस्पिटल। कौन लेके आया यहाँ पे? पूर्णता प्रशासन दिल्ली राज का जिम्मेदार है। नहीं लेके कौन आया पता ही नहीं हम लोगों को, कौन लेके आया कौन लेके कोई मालूम नहीं, कोई पता नहीं। यहाँ लाश मिली है। कौन हो मेरे पास? मैं उसका चचेरा भाई हूँ। क्या नाम है आपका? हमारे चाचा दोनों लड़के थे, एक महीने में दोनों खत्म हो चुके हैं पुलिस प्रशासन की वजह से। बार बार उन लोगों को बोल रहे थे सर कार्रवाई करिए, क्या हो रहा है, आइए कल आइए परसों आइए। तो ये कैसे पता लगा, सूचना कैसे मिली? सूचना स्टाफ का कहता है संदीप माए माँ असल भरेगा ये पहुँचे जाएगा जी। कहाँ पे काम कर रहे थे? कौन आगे आगे 33 के सब स्टेशन पे। तो आपको बिजली विभाग के लोगों ने नहीं बताया? ये बिजली विभाग के लोग आए थे। घर पे जाके बता रहे हैं? बताया जाकर। अच्छा, मतलब जब खत्म हो गया तब बताया? खत्म हो गया तब। तो आपको क्या लगता है? ये बताया नहीं, खत्म हो गया, यहाँ छोड़ के बताया नहीं, चले। कौन लोग छोड़ के गए हैं? वही स्टाफ आपको छोड़ के गया। उन्होंने परिवार के लोगों की मांग है कि बिजली विभाग के लोगों ने उसकी हत्या की है, क्या लगता है आपको? अभी जाम की क्या स्थिति सब चल रही है? अभी जाम नहीं है, बोल दिया पहले आप लोग थे लेकिन